तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओला के जो पार्ट्स है वो कितने एक्सपेंसिव पार्ट है। आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पार्ट है। तो ओला लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है बाद में। मैं आपको लेकर चलता हूँ ओला की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ओला का एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ थोड़ा। ओला जो है वो आपको पड़ने वाली है 1,12,000 रुपये की, और अभी जब मैंने ली थी, जब ये मैंने 2 महीने पहले ली थी, तो इसकी प्राइस उस टाइम 1,12,000 रुपये थी विद इंश्योरेंस। जनवरी से ओला ने इसकी प्राइस बढ़ा दी है। ओला की जो रिसेंट प्राइस है वो पिछली रेट से 5,000 रुपये बढ़ा दी, यानी अभी अगर आप इसे S1 को लेते हैं तो आपको ये पड़ेगी 1,17,000 रुपये की कैश में। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। वैसे मैंने इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो में दे दी है, और वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके एक्सपेंसिव पार्ट के बारे में। सबसे पहला पार्ट ये, तो ये जब ये डिलीवरी होने के दूसरे दिन ही मुझसे गिर गई थी, तो ये यहाँ से टूट गई। वैसे ओला ने यहाँ पर जॉइंट दे रखा है, ये बहुत अच्छा काम किया ओला ने। ये गिरती है तो यहाँ से टूटती है, वरना अगर ये ना हो तो पूरा ब्रेक जाता है। तो ये ब्रेक की जब मैंने कस्टमर केयर से बात करी, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने मुझसे फ़ोटो मांगी कि कौन सा पार्ट टूटा है, तो मैंने उन्हें फ़ोटो भी सेंड करी, तो उन्होंने बताया ये पार्ट आपके चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी कॉस्ट उन्होंने बताई 700 रुपीज़। इस एक छोटे से पार्ट के 700 रुपीज़, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है। इसका जो पार्किंग वाला स्टैंड है, ये भी यही सिस्टम, अगर ये भी कहीं टूट जाता है या कुछ दिक्कत आ जाती है, तो इसमें लगा हुआ है सेंसर्स, जो यहाँ से कनेक्टेड है, इसके सेंसर लगा हुआ है, तो वो भी, ये भी चेंज होता है, तो ये भी 1,000 रुपये का कम से कम है अगर आप चेंज करवाते इसको बाद में। तो ज़्यादा जो एक्सपेंसिव है वो है इसकी बैटरी। इसकी बैटरी 40,000 रुपये की है। अगर ये बैटरी ख़राब हुई तो आपके जेब से 40,000 रुपये लगने वाले हैं। इसका 5 साल का बैटरी का इंश्योरेंस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना चाहे 5 साल, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 5 साल में तो मैं इसका पैसा ही वसूल कर लूँगा। अभी मुझे लिए हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और मैंने इसको 578 किलोमीटर तो चला दिया है। बैटरी वो 3 किलोवाट की है, जो कि चार्ज होने में लेती है 4 घंटे। 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है, उसके बाद ये आपको इको पर देगी 127 किलोमीटर की रेंज, और नॉर्मल पे 100 की, और स्पोर्ट पे 80 की। जो दी हुई रेंज है उससे आप इसको हमेशा 30% माइनस करके चलिए। जैसे कंपनी अगर बता रही है कि 100 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज पे, तो आप उसमें से 30 लेस कर दीजिए, तो समझ लीजिए 70 किलोमीटर तो आपको ये दे ही देगी। पर ओला ने एक गलती करी है, यहाँ पर ये सॉकेट दिया है, तो इसे कोई भी खोल सकता है और कोई भी इसके साथ कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट है, इसे आप चार्ज कर सकते हैं गाड़ी को। बाकी ये भी मैनुअल नहीं देना चाहिए था, इनको ऑटोमेटिक देना चाहिए था। जो स्क्रीन से जाए, जैसे ये इसका बूट स्पेस है जो स्क्रीन पे ऑन करने से ही खुलता है, तो इसको भी कुछ ऐसा ही देना चाहिए था ओला को। बाकी ओवरऑल बात की जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है, दिखने में चलने में भी बहुत बेहतर है। बहुत सारे इसमें फंक्शंस भी है, पावर बटन, मोड चेंज, वॉल्यूम डाउन, रिवर्स, हेडलैम्प, इंडिकेटर ऑन, और ये 7 इंचज़ का डिस्प्ले। से आपको ओला के बारे में सारी जानकारी दे दी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा।